तो मैंने देखा है कबूतर खुले हुए थे, और आज एक कबूतर जो है ना लाल आंखों वाला और लाल ही जो है कबूतर बैठा है आके। अभी अभी थोड़ी देर हुई है, वो देखे वो सामने आपको नजर आ रहा होगा, मार दे, पकड़ लिया। दोस्तों मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह आ जाते साथ ही ना एक कबूतरी पकड़ लिया है, और आज जो है ना हमने काव को भी छोड़ के आना है, तो आज तीन तीन काम हो गए हैं, एक कबूतरी एक दो पटेल मर गया, एक कबूतर पकड़ लिया और एक काव को छोड़ के आना है। वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। आज जैसे मैं छत पे आया हूँ तो मैंने देखा है एक कबूतर खुले हुए थे, और आज एक कबूतर जो है ना लाल आंखों वाला और लाल ही जो है कबूतर बैठा है आके। अभी अभी थोड़ी देर हुई है, वो देखे वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, वो पानी पी रहा है, दानिश पकड़ने लगा है, और आज आपके साथ ही इसकी वीडियो शेयर करते हैं पकड़ने की। दानिश ध्यान से उड़ ना जाए, ध्यान से अंदर कर लो इसको, उड़ने के चक्करों में दानिश, रुक जा पीछे हो जा, फुल उड़ने के चक्करों में है। दरवाज़ा खोल दो सारी। दोस्तों बहुत ही प्यारा कबूतर है, बहुत ही आउट क्लास कबूतर है, जिसको कहते हैं ना उड़ने वाले कबूतरों में से कबूतर है, और फैंसी भी कहलाता है ये वाला कबूतर जो है ना। तो अभी इसको काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी हुई है, हम कह रहे हैं अंदर चले जाए, किसी भी केज में चल जाए और हम इसको पकड़ लें। वो सब कबूतरों के जाग में बैठा हुआ है कि जहाँ पे सारे कबूतर जाएंगे ना तो वहाँ पे मैं भी जाऊँगा। ध्यान से दानिश, चल दानिश मार बेटा, मार दे, पकड़ लिया। दिखाओ तो सही दानिश अपने दोस्तों को, कबूतरी है माशाल्लाह, फीमेल है। ये देखो ना, वो ये वाइट वाले कबूतर के साथ लगेगी इंशाल्लाह। इसको कट दो, मैं कह दो काट कर दो। हाँ जी दोस्तों, मैंने माशाल्लाह आ जाते साथ ही ना एक कबूतरी पकड़ लिया है, और बाकी मुर्गियाँ वगैरह जो अभी बंद है, कबूतर सिर्फ खुले हुए हैं, इनको दाना खिला लें, फिर कबूतरियाँ जो हम मुर्गियाँ वगैरह उनको खोलेंगे। और आज एक और बुरी खबर है, वो ये है कि हमारा एक और बटेर भी मर गया है और एक चूज़ा भी मर गया है। पता नहीं यार दोस्तों क्या हो रहा है, दानिश कह रहा है हमारी जो मिट्टी है ना इसमें बीमार जो छोटे छोटे ना कीड़े से हैं, तो ये सारी मिट्टी ना हमने सुबह चेंज कर देनी है। और आज जो है ना हमने काव को भी छोड़ के आना है, तो आज तीन तीन काम हो गए हैं, एक कबूतर एक दो पटेल मर गया, एक कबूतर पकड़ लिया और एक काव को छोड़ के आना है। तो अभी जो है थोड़ी देर बाद वीडियो शेयर करेंगे, क्योंकि अभी जो है ना मुर्गियाँ वगैरह खोलते हैं और अपने जो है रैबिट्स को है इनको थोड़ा सा चारा वगैरह डाल देते हैं। दानिश जो है ना जो कबूतर पकड़ा है इसको, इसके पर जो है सारे उखेड़ रहा है, ये दोबारा उड़े ना हमारे पास से ही, बस ठीक हो गया। दानिश इससे उड़ेगा नहीं कबूतर? नहीं उड़ता, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। ये कैसे दोबारा जल्दी भी आ जाएंगे। हाँ चलो ठीक हो गया, ये तो फायदा हो गया, हमारे घर का टाइम भी हो जाएगा। हाँ इससे ये फायदा होगा, चलो हमारे घर पे रह रहे करेगा कबूतर ये वाला, और उड़ भी ले करेगा ये वाला, अगर गर्मी आ रही है ना फायदा देगा ना हमें, और कोई भी कबूतर वगैरह खाने के लिए छौंकी हुई है ये पीछे रखता ना, तो ये खा लेते हैं, चारा लेके जा रहा हूँ के दाना खा जो मर्जी कर, हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने जो है ना सारे कबूतरों को दाना वगैरह डाल दिया था, अब ये दाना खाएगा आगे। देखिए मेरे रैबिट जो है ना कितने रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे एक जो चारा पर थोड़ा सा वो खा रहे हैं, इनके लिए चारा ले गया तो उन दस नहीं है। इसलिए छाव की हुई है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा डल रही है, इसीलिए थोड़ा सा मैंने चारा इनके लिए ले लिए, ये बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो गया आजकल, जितना मर्जी डाल दे उनको चारा इन्होंने खा जाना होता है। इसलिए मैं छोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि यार अगर मैं ये बच्चे कोई भी इसको चीज वगैरह डालने आते थे ना गोश्त वगैरह, तो ये आगे से मारना शुरू कर देता था, काटना शुरू कर। दानिश को इसने दो दफा काटा है, अब दानिश जा रहा है इसको छोड़ने, मैं यहाँ पे इसकी वीडियो बनाता हूँ बाकी जानवरों की।
ਉਂਗਲ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਂਗਲ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਚੱਕ ਲਾ ਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾ जी। तो दोस्तों मैंने जो है छोटे मुर्गियों को और जो छोटे चूज़ों को मैंने रोटियाँ डाली थी ना वो खा गए हैं, रिलैक्स हो गए। देखो उन्होंने खा ली है। अब ये जो है देसी रह गया खुलने वाला, अब इसको खोलते हैं। और यहाँ पे जो बत्तख के बच्चे उन्होंने भी खा लिया चारा, जो मैंने रोटियाँ भी कोई भी डाली थी। बटेर बेचारा मेरा एक ही रह गया, दूसरा बटारा जो है वो मर गया। और यहाँ पे जो है मेरे खरगोश रिलैक्स होकर अपना चारा खा रहे हैं। अभी ये दूसरे जो है ना मुर्गा मेरा, उसको मैं करता हूँ बंद। वो कहाँ पे है उसको मैं करने लगा बंद, क्योंकि वो मुर्गा ना देसी मुर्गी के साथ लड़ता है। दर्श मुर्गा कहाँ पे है? अंदर है, उसको मैं कर देता हूँ। जी दोस्तों, ये मुर्गे को मैंने अंदर से ला के बंद कर दिया है कि ये भी यहाँ पर रुके, और देसी को मैं खोलने लगा हूँ। और फिर इनको जो है ना रोटियाँ भिगोई जो पड़ी हैं वो डालते हैं। अरे यार तुम लोग भाई राजू, देसी प्यास उनको लगी हुई है, वो पानी पिएगी आके। वो मुर्गा देखो वो लड़ने के लिए आगे आ रहा है। और ये दानशु जो कबूतर उड़ाए हुए थे वो भी आ गए माशाल्लाह वापस। एक रह गया वो भी आ गया, वो आ गया कबूतर वापस, वो ऊपर बैठा हुआ है। और एक सियालकोटी वो ऊपर है, एक कबूतर मारा वो उधर जा कर बैठा हुआ है। वो काफ़ी देर से बैठा, वो आ नहीं रहा। बाकी तीनों आ गए दानशु उसको पकड़ने के लिए। अब सबको खोलने लगा दोबारा। जी तो दोस्तों, जानवर रखे हुए हैं, आप सांस का कोई भरोसा नहीं, अपने इंसान के सांस का भरोसा नहीं। अब नुकसान तो है, साथ साथ फिर बर्दाश्त तो करना पड़ता ही है। हम क्या कह सकते हैं, जो नसीब में था वो हो ही गया। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब दोस्तों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, दोस्तों ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं आपका बाबरी आपसे लेता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।